मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ग्रेटर प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी का ग्रेटर प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। बच्चों जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए, और उससे पहले मुझे बता दीजिए वॉइस वीडियो एंड पीपीटी की स्लेट टू एवरीबॉडी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी पीपीटी क्लियर है? जल्दी से जल्दी बता दीजिए ताकि हम अपने क्लास को कॉन्टिन्यू कर सकें। आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स, can you see me, my okay, जल्दी से जल्दी बच्चों हमारे साथ जुड़ते चलिए ताकि हम अपनी क्लास को आगे लेकर जाएं। बच्चों आज से हम लोगों का थोड़ा जो टाइम है वो चेंज हो गया है, अब हम लाइव आएंगे 10 बजे, ठीक है? अब हम 10 बजे लाइव आएंगे, हम 11 बजे। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, जल्दी से जल्दी हमारे क्लास में जुड़ते चलिए ताकि हम अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकें फटाफट से फटाफट, और अपनी उपस्थिति मार्क करने के लिए लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है? काइंडली मार्क योर अटेंडेंस। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स। बच्चों जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ते चलिए और मुझे बता दो वॉइस वीडियो एंड पीपीटी स्लेट टू एवरीबॉडी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी पीपीटी क्लियर है? वॉइस वीडियो एंड पीपीटी, इज इट फाइन? वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति, वेरी गुड मॉर्निंग आशिका। तो बच्चों हम लोगों का टाइम चेंज हो गया है, विल बी फ्रॉम 11 AM, ठीक है? अब हमारा सेशन 10 बजे नहीं, अब हमारा सेशन 11 बजे हुआ करेगा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। आज हम पार्ट टू कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यूट्यूब पर हम लाइव आएंगे हर संडे को ग्रेटअप के YT चैनल पर सुबह 11 बजे, ठीक है? तो ये जो टाइमिंग है प्लीज इसको नोट कर लीजिए, वी हैव शिफ्टेड अवर टाइमिंग्स, ठीक है? हमने एक घंटा और आगे अपना टाइम चेंज कर दिया है 11 बजे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम थोड़ा सा टाइमिंग और आगे कर दिया जाए। बिल्कुल, तो हमने आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों की कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने टाइम अपना आगे कर दिया, ठीक है बच्चों? और आप अपनी प्रेजेंट मार्क करने के लिए, अटेंडेंस मार्क करने के लिए प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे पास आपकी अटेंडेंस आ जाए, ठीक है? और आपको पता है हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फ्री ऐप सीरीज, ठीक है? मैं आपके लिए फ्री ऐप सीरीज लेकर आ रही हूँ, ठीक है? मेरे साथ हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को शाम 7:45 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है? अब मैं आपको बता देती हूँ जुलाई में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। जैसे कि जुलाई में हम पढ़ेंगे सारी थ्योरीज, ठीक है? जैसे लॉश की थ्योरी है, सीपीटी है, ठीक है? उसके अलावा टी प्लांटर की थ्योरी है, ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैं आप सबके लिए जुलाई में सेशंस ऐप सीरीज पर लेकर आ रही हूँ, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सबने, आपके लिए ये GRF है, ठीक है? आपने ये सोचना है दिस इज GRF इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर सपोज टू ग्रैब इट, ठीक है? आपने इसको किसी भी हालत में कैच करना, ठीक है? और ये हमारे मेगा सेशंस की डिटेल्स है, ठीक है? जून के महीने में हम 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आज हमारा हो जाएगा KSET, और जुलाई में मैं आपके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के PhD एंट्रेंस एग्जाम लेकर आऊंगी, ठीक है?
चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो सो शुरू करते हैं। दिस इज माय प्रोफाइल एंड दिस इज माय टेलीग्राम लिंक, ठीक है। अगर आप में से कोई मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है तो इस लिंक के जरिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी भी प्रकार की सूचना लेनी है, और 15 जून से हमारा ऑलरेडी बैच एक स्टार्ट हो चुका है, बायलिंगुअल बैच, ठीक है, आप हमने मेल कर सकते हैं और हमारे मोबाइल नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माई प्रोफाइल, आप सबने मुझे प्रोफाइल पे जाकर फॉलो करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, आपकी अटेंडेंस मार्क होगी बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। हम ऑलरेडी 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 36। वील स्टार्ट फ्रॉम दी 36 क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन हम पार्ट वन में कर चुके हैं, तो वो पार्ट वन आप देख सकते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 36 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, बताओ। समय की टिक टिक, 20 सेकंड का समय है, तो आपने उसी बीच मुझे अपना आंसर देना है। देखते हैं कौन देगा इसका सही जवाब। इट इज 30 सेकंड्स। बताइए, इंग्लिश में मैंने अभी इंग्लिश में लगाया है टाइम अप, अब मैं हिंदी में आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। समय की टिक टिक मैंने शुरू कर दी है, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, इस 30 सेकंड में आपने उसका आंसर देना है। तो आइए देखते हैं कितने बच्चे मेरे साथ इसका आंसर देंगे। बच्चों, जितने ज्यादा आप मेरे साथ रेगुलर रहोगे उतने ज्यादा आपकी एग्जाम्स की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आप सभी ने मेरे एग्जाम को मेरे साथ रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने दिया है इसका सही जवाब। वेरी गुड एवरीबॉडी। बच्चों जल्दी से जल्दी जुड़ते चलिए हमारे साथ, और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपने अपने अटेंडेंस मार्क करनी है बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन, लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसका सही जवाब। इसका आंसर है बी, यानी कि ए बी दोनों सही है, बट ए इसकी सही व्याख्या नहीं है। हेटरोट्रॉप्स आर दोस रीजंस व्हिच कैन नॉट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड Use organisms, ठीक है। तो यानी कि ये जो रीजन है ये पूरी तरह से स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इट इज इन दी थ्री वेज, ठीक है। तीन तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, और हेटरोट्रॉप्स दीज डिपेंड ऑन द हेटरोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर ओन फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। The world population at the beginning of Christian era, it is estimated at, ठीक है, यानी आपको बताना है Christian era की शुरुआत में विश्व जनसंख्या का अनुमान कितना था। ये population geography से direct question आया है, ठीक है। बताइए what will be the answer, इसका answer क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। I can see many students, बच्चों हमारा timings मैं दोबारा से बता रही हूँ, हम लोगों का timing change हो गया है। अब हम आपके साथ जुड़ेंगे सुबह 11 बजे, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो हमारा शेड्यूल है 10 बजे थोड़ा जल्दी है, हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो जो स्लॉट हमें फ्री मिला हमने उसमें आपकी क्लास रखवा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। कितने बच्चों ने दिया है इसका सही जवाब, लेट मी चेक। इसका आंसर है बी, यानी कि 250 मिलियन, ठीक है। देखते हैं, वेरी गुड एवरीबॉडी, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन ग्रो एट अ वेरी स्नेल पेस, स्नेल पेस का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे, हमने देखा कैसे जनसंख्या में वृद्धि देखी गई, ठीक
नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, बताइए एक्यूमन और नॉन एक्यूमन। क्या होता इसके रिस्पेक्टेड एरियाज, व्हाट इज द रिस्पेक्टेड एरियाज बताइए। देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका सही जवाब। देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर। इसका आंसर है डी, यानी कि एक्यूमेन 60% एरिया कवर करता है और नॉन एक्यूमेन 40% एरिया को कवर करता है, ठीक है 60% और 40%, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल भूलना, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। थोड़े से फैक्ट बचे आपको याद करने पड़ेंगे और नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्या होता है, वी हैव डिवाइडेड द वर्ल्ड लैंड इनटू टू पार्ट्स। एक्यूमेन जहां पर कोई नहीं रहता, विच इज परमानेंटली इनहैबिटेड, यानी कि जहां पर कोई नहीं रहता। नॉन एक्यूमेन क्या है, विच आर अनहैबिटेड बट इंटरमीडिएटली इनहैबिटेड और स्पार्स इनहैबिटेड पार्ट्स, यानी कि यहां पर कुछ एरिया में इट इज इनहैबिटेड, यानी कि जहां पर एंड इट इज स्पार्सली इनहैबिटेड, यानी कि कहीं जगह पर लोग दिखते हैं, ठीक है, कहीं पर इट इज टोटली बैरन, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। चलिए द टर्म ओमलैंड रेफर्स टू, यानी कि ओमलैंड शब्द का अर्थ क्या है। ओमलैंड की थ्योरी, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, बहुत ही फेमस थ्योरी है, तो आपने बताना है कि वो ओमलैंड का मतलब क्या है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। बच्चों आप अपने अपनी जो तैयारी है उसको जल्दी से जल्दी स्पीड अप कर लो, अगर तैयारी स्पीड अप नहीं होगी ना तो एक तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आप सबने अपनी तैयारी को नंबर वन पे करना है, क्योंकि अब केसेस कम हो रहे हैं, कोविड के केसेस, एग्जाम आपका जल्द से जल्द होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं कितने बच्चे दिया है इसका सही जवाब। सबने बताया है ए। आई वॉन्ट एवरीबडीज रिस्पॉन्स क्विकली क्विकली। बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्लीज, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज बताइए कि हम लोगों का टाइम शिफ्ट हो गया है, इसलिए हम 11 बजे आए, ठीक है। हमारी क्लास अब हर संडे सुबह 11 बजे होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। इसका आंसर है डी, बिल्कुल। ओमलैंड का मतलब क्या है, एरिया सराउंडिंग एन अर्बन सेंटर, यानी अर्बन सेंटर के पास का जो एरिया है, आसपास के क्षेत्र को हम ओमलैंड बुलाते हैं, ठीक है। और आरएल सिंह ने जो डेफिनेशन दी थी, सेज दैट द एरिया इन विच सिटीज कल्चरली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इंटर रिलेटेड फ्रॉम द ओमलैंड ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी और टाउन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओमलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट इन डैश The population of East and South Asian countries live mainly in rural areas. यानी किसको छोड़कर पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों की जनसंख्या मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आपने बताना है इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। I want everybody's participation. Let's see. वेरी गुड मॉर्निंग सपूर्वा, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। मेरे पास सबके रिस्पॉन्स आ गए हैं, लेट्स सी। द आंसर इज बी, यानी जापान को छोड़कर ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज में ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। जापान का बच्चों मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल भी दिया था कि जापान इट इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड, ठीक है, वहां पर शहरीकरण ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए द
आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन, एन एनालाइज सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम इन बर्थ एंड डेथ रेट इट इज नोन एज, यानी आपके पास चार विकल्प हैं। एक सीक्वेंस को पॉपुलेशन चेंज में, एक सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में हम दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए। उसको क्या बोलते हैं बताओ। वेरी गुड, लेट सी हु विल गिव मी द आंसर फर्स्ट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी हमारे क्लास में रेगुलर स्टूडेंट हैं प्लीज डू लाइक द वीडियो। आपकी अटेंडेंस मार्क होती है भाई जब आप लाइक का बटन क्लिक कर देते हो तो। आइए देखते हैं, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से जल्दी बच्चों जिनको नहीं पता क्लास के बारे में उनको भी बताइए। द आंसर इज सी, बिल्कुल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है, इसके अंदर हमें पॉपुलेशन चेंज दिखाया जाता है। वी कैन सी पॉपुलेशन चेंज विद द हेल्प ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ऑक्यूपेशन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा हुआ करते थे, अब वही चीज चेंज हो गई, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया है। नाउ द फोकस इज ऑन टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद अब दो सेक्टर्स और आ गए, क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी सेक्टर। सो चेंजिंग द ऑक्यूपेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज ऑक्यूपेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, इसको व्यावसायिक संक्रमण कहते हैं। ठीक है, चलिए 42nd क्वेश्चन, लेट्स सी हु विल गिव मी द आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग दे हैव डेवलप्ड द सीक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल, यानी निम्नलिखित में से किसने अनुक्रमिक विस्तार परिवहन नेटवर्क मॉडल विकसित किया है। येट्स और गार्नर, मर्फी और जॉनसन, हार्बर्ट और स्मिथ, और टॉफे, मॉरेल और गोल्ड। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। मैं देख पा रही हूँ काफी स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आई वॉन्ट एवरी बडीज रिस्पॉन्स, मैं आप सभी का रिस्पॉन्स लेना चाह रही हूँ। आप बच्चों जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मेरे से जुड़िए और तैयारी कीजिए। तैयारी आप मेरे साथ जितना ज्यादा जुड़ेंगे मैं आपके लिए उतने ज्यादा पेपर आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी, और डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको रिविजन में जरूर काम आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यूजीसी नेट में सिलेबस में नहीं पढ़ पाते जिसकी हमें नॉलेज आउटसाइड प्रैक्टिस क्वेश्चन से मिलती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। लेट्स सी, द आंसर इज डी, टॉफे, मॉरल और गोल्ड ने सिक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल बनाया था। ठीक है, बिल्कुल डी इसका सही आंसर है। वेरी गुड एवरीबॉडी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इन्होंने 1963 में दे अंडरटूक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दे वर एबल टू शो दैट सर्टेन रोड रेगुलरिटीज दे परमिटेड अ डिस्क्रिप्टिव जनरलाइजेशन ऑफ एन आइडियल टिपिकल सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ठीक है, और टफे ने 6 स्टेजेस में ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट को दिखाया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपके सामने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज मॉडल है और इसकी चार स्टेज आपके सामने लिखी हुई है, और उसके क्या फीचर्स हैं ये आपको इस मैच द फॉलोइंग में बताने हैं। यू आर सपोज टू मैच द फॉलोइंग विद द वेयर वन स्टेज, वन लिस्टेड स्टेज वन दैट रिप्रेजेंट्स योर डेमोग्राफिक स्टेजेस एंड द सेकेंड लिस्ट इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द फीचर। बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका सही जवाब। आई वॉन्ट एवरी बडीज रिस्पॉन्स। जल्दी से जल्दी बच्चों बताइए व्हाट विल बी द आंसर। समय के टिक टिक तो खत्म हो गई है, अब ये हम हिंदी में भी लगा देते हैं। जनसंख्या चरण और उनकी विशेषताएं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। Let's see who will give me the answer first. बच्चों मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, हम लोगों के मेगा सेशन का टाइम चेंज हो गया है, अब 10 बजे नहीं अब सुबह 11 बजे होगा। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों ने बोला था मैम 10 बजे थोड़ा सा जल्दी है, अब हम इसको 11 बजे कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है ए, ए इसका सही आंसर है। देखते हैं कैसे, स्टेज वन यानी कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी प्राचीन यानी ओल्ड टाइम से, प्रिमिटिव टाइम से। तो इसका मतलब ए को अगर हमने 4 से मैच कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि ए अगर मैं सारे ऑप्शन में देखूं 4 नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ए जो है वो 4 है।
बी चरण दो क्या है, विस्तार या युवा चरण है। चरण थ्री क्या है, देर से विस्तार होना है। चरण फोर है कम उतार चढ़ाव वाला या परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल प्लान थ्योरी, यानी केंद्रीय योजना सिद्धांत के मूल सिद्धांत है, बताइए। आपके सामने चार विकल्प हैं, कौन से? ये मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ये सब मैंने आपको समझाया था क्लास में, तो आप सबने मुझे बताना है व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। मितिका जी मैं 12 बजे से पहले छोड़ दूंगी, डोंट वरी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, यानी कि उन्होंने रेंज ऑफ गुड्स और थ्रेशोल्ड, इन दोनों प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। ये दोनों सिद्धांत हैं जो सीपीटी थ्योरी द्वारा, और जो किसने दी थी, क्रिस्टॉलर साहब ने दी थी, और उन्होंने अपने दो सिद्धांत मानकर उन्होंने दो प्रिंसिपल समझाए थे, रेंज ऑफ गुड्स और थ्रेशोल्ड। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन, लिस्ट वन लिस्ट टू आपके सामने है। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड आपके सामने लिखा हुआ है, और आपने टाइप ऑफ ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है, बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। आई वॉन्ट एवरीबडीज पार्टिसिपेशन। आप देखते हैं हिंदी मीडियम, भारत जनसंख्या वृद्धि अवधि और विकास का दर, देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका सही जवाब। तो आपने मुझे अब अगले संडे से 11 बजे मिलना है, ठीक है, 11 से 12 हमारा सेशन होगा। इसका सही जवाब होगा, देखते हैं कितने बच्चों का इसका सही जवाब, डी डी इसका सही आंसर है। तो वेरी गुड, वेरी गुड गौरव शर्मा, आई वेलकम यू ऑन द ग्रेटर प्लेटफॉर्म। तो इसका डी आंसर है, वेरी गुड एवरीबॉडी, आप सबने डी जवाब दिया है, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 1901 और 1921 में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टैग्नेंट पॉपुलेशन देखी गई थी 1921 और 51 में। स्टडी पॉपुलेशन थी 51 से 81 में, बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी, देयर इज नो डाउन इन दी पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी आपके सामने लिखी गई है, और आपने उस वो थ्योरी को किसने दिया है ये आपने डिस्कस करना है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। हिंदी में भी देख लीजिए बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, चलिए तो देखते हैं। कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं,
इसका आंसर है बी। बी इसका सही जवाब है। ठीक है, देखो बी कैसे है, प्रवासन सिद्धांत। सबसे पहले बात करेंगे माइग्रेशन थ्योरी की। माइग्रेशन थ्योरी ईजी रेवेन्स्टीन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एडविन कॉनन, डीटीटी ये दिया था, डीटीटी का मॉडल दिया है थॉमसन साहब ने, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थ्योरी ये स्टॉफर ने, ये अभी हमने क्लास में पढ़ाया है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अ थ्योरी दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी एक सिद्धांत जो सीधे तौर पर उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित नहीं है, वह कौन सा है बताइए। चार विकल्प है आपके सामने, आपने इसका सही जवाब देना है। देखो ये चारों के चारों थ्योरीज मैंने आपको क्लास में बकायदा समझाई है। ठीक है, टी प्लांटर की भी थ्योरी मैंने आपको क्लास में समझाई है, क्योंकि टी प्लांटर से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। आई वॉन्ट एवरीबडीज रिस्पॉन्स, बच्चों ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, और जिनको नहीं पता हमारी क्लास के बारे में जरूर उन्हें बताइए क्लास के बारे में। चलिए तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है बी। वॉल्टर क्रिस्टॉलर की जो थ्योरी है वो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वॉल्टर थ्योरी की जो वॉल्टर क्रिस्टॉलर की जो थ्योरी है दैट इज रिलेटेड टू दी सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 48 क्वेश्चन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन ईयू एज अ मैक्रो रीजन अबाउट वर्ल्ड ट्रेड इज, ये आपका सवाल पूछा गया है रीजनल ज्योग्राफी से। ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसको हम रीजनल ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, रीजनल ग्रुपिंग में आपके चार संगठन हैं बड़ी बड़ी, जिसमें से एक है ईयू, तो इसलिए ये सवाल आपके केसेट के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। आई वॉन्ट एवरी बडीज रिस्पॉन्स, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। और बच्चों हमारा जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है, नाउ इट विल बी 11 AM इन दी मॉर्निंग। ठीक है, अगली बार जब आप नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो 11 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। इसका आंसर है डी, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। नो, इट इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, आपने इज इनकरेक्ट, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दी थी, तो इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो मोर देन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इट इज कंसेंट्रेटेड इन दीज कंट्रीज, एंड द यूरोपियन इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, इट इज नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछा गया है, तो आपके हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। आई वॉन्ट एवरीबडीज रिस्पॉन्स क्विकली, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। ओके, इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों ही लाइन स्टेटमेंट सही है। एनलार्जमेंट ऑफ ह्यूमन चॉइस इज नॉट जस्ट इनकम, सेकंड क्रिटिकल इश्यूज ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट। बच्चों एनलार्जमेंट ऑफ ह्यूमन चॉइस, ह्यूमन चॉइस का मतलब क्या है, यानी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लीजिए मुझे ए से बी, मैं ए में रहती हूँ और मुझे बी सिटी में जाना है, सो आई हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, दैट मींस आई हैव मेनी चॉइसेस अवेलेबल। मैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीन से जा सकती हूँ, चाहे वो कार मेरी पर्सनल कार हो, चाहे वो कैब हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो, किसी भी सर्विस से मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है और मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। इसका मतलब क्या है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रीजन इज अ डेवलप्ड रीजन, ये विकसित
क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ पर संसाधन ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, यहाँ पर परिवहन भी बहुत सारे मौजूद हैं, और इस वजह से मैं मेरे पास विकल्प भी बहुत सारे, मेरे पास चॉइसेस भी बहुत सारे, ठीक है। सेकेंड इज क्रिटिकल इश्यूज ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बताया आपने इंद्रेश यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज गिवन बिलो डू नॉट रिप्रेजेंट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन द वर्ल्ड, यानी नीचे दिए गए दो देशों में कौन सा विश्व में गहन निर्वाह खेती का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चार विकल्प है आपके सामने, आपने इसका सही उत्तर देना है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जहां पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं देखी जाती, आपने बताना है। देखो ध्यान से पढ़िएगा, यूजीसी नेट हमेशा एक ट्रिक, एक ना एक ट्रिक लेकर आता है अपने साथ, तो यहाँ पर ट्रिक यह है कि नॉट। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। आई वॉन्ट एवरीबडीज पार्टिसिपेशन, क्विकली जल्दी से जल्दी मुझे बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। ओके तो सबने बताया है बी, बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी अर्जेंटीना और कनाडा में सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं देखी जाती है। अर्जेंटीना और कनाडा में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं देखी जाती। बच्चों सबसे पहले तो आपने देखना है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती है, ज्यादातर इट इज फॉलोड इन दी डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में ये निर्वाह खेती देखी जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं सिवाय कनाडा को छोड़कर, ठीक है। तो कनाडा हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑड वन आउट हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि हमने वही चीज बतानी है जहां पर ये खेती बाड़ी नहीं देखी जाती, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच टाइप ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन गिनिया कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के गिनी तट में किस प्रकार की वृक्षोपण कृषि देखी जा सकती है। बताइए, चार विकल्प आपके सामने, आपने सही विकल्प को चुनना है। देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। जल्दी से बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गिव मी द राइट आंसर। बताइए अफ्रीका के गिनी तट में किस प्रकार की वृक्षारोपण कृषि देखी जाती है। देखते हैं कितने बच्चे इसका देंगे सही जवाब। So, answer है D. D इसका सही जवाब है। तो कोको पाम एंड ऑयल ट्री, यहाँ पर गुइनिया कोस्ट ऑफ अफ्रीका। गुइनिया कोस्ट क्या है, मान लीजिए बच्चों ये अफ्रीका है, तो इस साइड पर जो प्लांटेशन देखी जाती है वो कोको पाम्स और ऑयल ट्रीज की देखी जाती है, ठीक है। कोको आपने देखा होगा कि कोको, अगर आपके पास कॉफी या कोको पाउडर होगा तो वो पीछे लिखा होता है मेड फ्रॉम दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुनिया। अगर आपने टीवी में भी आप एड्स देखी होंगी कोको से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी एड में भी ये शो होता है कि ये गुनिया कोस्ट की सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाली सीड से बनाया गया है, ठीक है। आई होप आप सबने वो वीडियो, एक काफी फेमस एडवर्टाइजमेंट है तो वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर कोको, गुनिया की कोको की काफी
तारीफ की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन, पेयर ऑफ कंट्रीज विच आर डेयरिंग एंड डोमिनेटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट हाइड एंड स्किन इज, यानी डेयरी और मांस खाल और खाल के उत्पादन में वर्चस्व रखने वाली देशों की जोड़ी है। चार विकल्प है आपके सामने, आपने इसका सही जवाब देना है। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। Let's see how many students will give me the right answer. जल्दी जल्दी से बताना है आपने इसका सही जवाब क्या है। I can see many students. जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर। बच्चों ज्यादा से ज्यादा, आई थिंक काफी बच्चों को नहीं पता कि हमारी क्लास अब 11 बजे शिफ्ट हो गई है, तो 11 बजे जरूर आइएगा। ठीक है, तो आंसर है इसका सी, अर्जेंटीना और यूरागे, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मीट का प्रोडक्शन, स्किन की और हाइड का प्रोडक्शन इन देशों में होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना में पूरे विश्व की कैटल पॉपुलेशन का 5% हिस्सा मौजूद है और इट एक्सपोर्ट्स 15% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन यूरोप स्पेशली वेस्ट जोन। कितना ज्यादा, कितना बड़ा एरिया, और 15% कम नहीं होते। वर्ल्ड का 15% अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इम्पोर्ट कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, यूरागे इट हैज अ स्मॉल डेयरी आउटपुट, कैटल रेयरिंग दे आर ऑल्सो कैरिड आउट देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी हमने क्लास में पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ जापान इट हैज इंडस्ट्रियल टाउन्स लाइक क्योटो, कोबे और ओसाका। चार विकल्प है आपके सामने, आपने इसका सही उत्तर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडीज पार्टिसिपेशन। जल्दी से जल्दी बच्चों हमारे साथ जुड़ते चलिए और बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखते हैं जल्दी से जल्दी बच्चों। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, आइए देखते हैं। बच्चों जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी, वो प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। लाइक बटन को क्लिक करके आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर है सी, होनशु। ठीक है, ये सारे जितने भी आइलैंड्स के नाम लिखे हैं, ये जो क्योटो, कोबा, ओसाका, जितने भी शहरों के नाम लिखे हैं, ये कौन से आइलैंड पे है, ये होनशु आइलैंड पर। ठीक है, आपको पता है जापान जो है इट्स अ कंट्री, इट्स अ कंट्री दैट इज मेड अप ऑफ कलेक्टिव आइलैंड्स, यानी कि जहां पर बहुत सारे कंट्रीज, वो एक ऐसी ऐसा देश है जो छोटे छोटे द्वीप से मिलकर देश बना है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। 54th क्वेश्चन, आपने पोर्ट्स और रिवर्स को एक दूसरे से मिलाना है, तो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। What will be the right answer? Quickly tell me क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। सोनी जी ने सबसे पहले जवाब दिया है, very good, okay. इसको मैं हिंदी में भी लगा देती हूँ। चलिए हिंदी में मैंने टाइमर लगा दिया है, बंदरगाह और नदी, इन दोनों को आपने एक दूसरे से मिलाना है। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ये जहां पर भी आप ज्योग्राफी, चाहे आप DSSB की तैयारी करो, चाहे आप PGT की तैयारी करो, आप जिस किसी की भी तैयारी करोगे, तो वहां आप देखोगे कि DSSB PGT में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ये तो अभी इंटरनेशनल सिटीज के बारे में पूछा है, इनफैक्ट इंडियन सिटीज के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। इसका आंसर है बी। बी कैसे है वो भी देखते हैं। ठीक है, जो लंदन है, लंदन थेम्स रिवर पर है। थेम्स रिवर जो है बहुत ही उनकी होली रिवर में से एक है, जैसे हमारी गंगा, गंगा है इंडिया की, ऐसी थेम्स है लंदन की, और जो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है।
उसके बाद बात आती है एम्स्टरडैम की। एम्स्टरडैम राइन नदी पे स्थित है। न्यू ऑर्लियंस कहाँ पर है? न्यू ऑर्लियंस इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मिसिसिपी रिवर। ब्यूनस एयरेस ये कहाँ पर देखा जाता है? ये पराना नदी के किनारे देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सा मैच द फॉलोइंग था बच्चों। ये रिवर्स वगैरह ये सारी चीजें आप जरूर, आप सभी ने जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये ज्योग्राफी जिस जिस एंट्रेंस एग्जाम में ज्योग्राफी आती है, जिस जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्योग्राफी आती है, ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर कोल माइनिंग एरियाज और कंट्री, यानी आपके सामने मुख्य कोल माइनिंग करने वाले क्षेत्र हैं, शहर हैं, और आपने उसको उनके देशों से जोड़ना है। बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। बच्चों ऐसे ही अगर चलते रहोगे आगे तो आपका इसका आंसर कितने बच्चे देंगे इसका आंसर, लेट मी सी। इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं, सूची प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र और सूची द्वितीय देश। बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखते हैं समय की टिक टिक यूं ही खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका सही जवाब। इसका आंसर है डी। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका डी, डी को हम मैच करेंगे। ठीक है, तो डी को देखिए। ए जो रूर रीजन है वो जर्मनी में है। ठीक है, और आपको पता है इंडिया में भी एक रीजन को रूर भी बोला जाता है। आपको पता है क्यों बोला जाता है उसे रूर रीजन? हमारे देश में एक रीजन है जिसको रूर भी बोला जाता है। ठीक है, पेनिसिल्वानिया यूएसए से रिलेटेड है। ये वो जगह है जहां पे सबसे पहले पेट्रोल देखा गया था। ठीक है, कारंगंदा इट्स इन रशिया। शेंची इट इज इन चाइना। ठीक है, तो ये कैलकुलेट, ये एक परफेक्ट मैच है जो आपने मैच करना है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वेरी गुड अंजलि, बच्चे आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए आगे देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। अब ये हिंदी में भी मैंने लगा दिया, अभिकथन और कारण। आपके सामने दो चीजें हैं, आपने बताना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। आई वॉन्ट एवरीबडीज रिस्पॉन्स क्विकली। चलिए तो देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। इसका आंसर है ए। ए इसका सही जवाब है। दोनों की दोनों बिल्कुल सही हैं और आर इसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा टाइमिंग चेंज हो गया है, अब हम 10 बजे नहीं, अब हम 11 बजे आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संडे से सुबह 11 बजे आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन। जेसी वेबर, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। वेबर को आपने, वेबर के ऊपर सवाल आया है। अब देखते हैं इसका सही जवाब कितने बच्चे देते हैं। बच्चों जो भी, जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके अटेंडेंस मार्क हो जाए। ठीक है,
ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तीस सेकंड हो गए हैं, 30 सेकंड का समय हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा। अभिकथन और कारण, ठीक है, अभिकथन क्या है, उसका कारण क्या है, आपने मुझे बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। तो इसका आंसर है ए। ए इसका सही जवाब है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड एवरीबॉडी। तो सुनकर देखकर अच्छा लगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। तो बोला क्या गया है, वेबर ने माना कि लगभग हर कृषि प्रणाली में कई फसलें एक साथ लगाई जाती हैं। बिल्कुल, तो कारण क्या है, केवल बहुत कम ही एक फसल पूर्ण प्रभुत्व ग्रहण करती है। तो बिल्कुल सही बात बोली है, ये दोनों की दोनों बिल्कुल सही है। और जेसी वेबर ने जो काम किया था अपना, वो मिडिल वेस्ट पे किया था, मिडिल वेस्ट यूएसए में उन्होंने अपना काम किया था, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसके हमने 10 क्रॉप क्लासिफिकेशन देखे थे और इससे रिलेटेड हमने एक क्लास में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। चलिए 58 क्वेश्चन अजर्शन रीजनिंग का सवाल है, बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। रीजनल डिस्पैरिटी यानी रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित ये सवाल आया है। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। आई वॉन्ट एवरीबडीज रिस्पॉन्स। बच्चों हमारे साथ जितना जुड़े रहोगे उतना आप ही सभी के लिए फायदा है, क्योंकि मैं आपके लिए अब मैं आप सबसे पूछूंगी लास्ट में, ठीक है। आप सबसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, मुझे जरूर बताइएगा। अभिकथन और कारण आपके सामने है, आपने बताना है क्या है इसका सही जवाब। इसका क्या आंसर है, आंसर इज बी। तो यानी कि ए आर दोनों सही है पर बी इसका आंसर सही नहीं है। देखो बच्चों, पूछा क्या गया है, रीजनल डिस्पैरिटी इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेरिएशन इन फिजिकल रिसोर्सेज, यानी क्षेत्रीय असमानताएं किस कारण होती हैं, क्योंकि हर जगह संसाधन एक जैसे उपलब्ध नहीं होते। कारण क्या लिखा गया, कल्चर मोरिंग्स एंड टेक्नोलॉजिकल अटेनमेंट्स आल्सो इन्फ्लुएंस द रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। कल्चर का यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रीजन दोनों सही है, स्टेटमेंट रीजन भी स्टेटमेंट सही है, बट आर ए को नहीं, पूरी तरह नहीं जस्टिफाई करता। अगर टेक्नोलॉजी की खाली बात की होती तो हमारा ऑप्शन ए सही होता, परंतु इसमें कल्चरल मोरिंग्स की भी बात की है, सांस्कृति का भी पहलू उठाया गया है, तो इसलिए कारण इसका सही उत्तर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्चर, यानी इसमें से कौन संस्कृति नहीं दिखा रहा, बताइए। चार विकल्प है आपके सामने, आप सबने सही विकल्प बताना है, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। बिल्कुल रंजीता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बी पेरेंटल बॉडी फीचर्स, ये तो जेनेटिकल है, ठीक है। इसके अंदर कल्चर कहाँ से आ जाएगा, ये चीजें जेनेटिकल होती है। वेयरिंग क्लोथ्स इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, कुकिंग फूड, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है, ये सब हमारी सांस्कृतिक सभ्यता दिखाता है, ठीक है। परंतु पेरेंटल बॉडी फीचर ये सही नहीं है। 60 क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स बिलो, चार विकल्प है आपके सामने, आपने बताना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं क्लास में। आई वॉन्ट
सबका आंसर मैं देखना चाह रही हूँ, इसका सब मैं सबका ही रिस्पॉन्स चाह रही हूँ क्लास में। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपने सबने इसका जवाब देना है। इसको हिंदी में भी लगा देते हैं। चार तीन आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। बच्चों ऐसे ही इसी जोश के साथ ही आपने आगे बढ़ना, क्योंकि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट द न्यू डेट्स ऑफ योर एग्जाम। ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। इसका आंसर है ए, ए इसका सही जवाब है। ए और दो बिल्कुल सही है, ठीक है। संयुक्त राज्य के लोगों की तुलना में भारतीय दृष्टिकोण में अधिक शहरी है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हम बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, कंपेयर टू पीपल ऑफ यूएसए इंडियंस आर मोर अर्बन इन आउटलुक। तो ये तो तीसरा जो सवाल जो कंसर्न है वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। यूएसए कहाँ से, यूएसए कहाँ इंडिया से पीछे रह गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन, अजर्शन रीजनिंग है आपके सामने। ये भी अजर्शन रीजनिंग का सवाल आया है, बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। बच्चों अजर्शन रीजनिंग में आपने क्या करना है, ट्रिक इसको बताती हूँ कैसे हमने क्लियर करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, अजर्शन रीजनिंग है, आपने इसको सेंटेंस की फॉर्म में बताना है। Population control is one of the way in which consumption might be checked because this is purely a problem of European and North Americans. ठीक है, तो क्या ये sentence सही है, ये आपने बताना है। समय की टिक टिक कर दी है मैंने शुरू, हिंदी मीडियम को भी उतना ही टाइम मिलेगा जितना इंग्लिश वालों को मिला है। 30 सेकेंड आपको मिला है तो आपको भी 30 सेकेंड का समय दिया जाए। आंसर है इसका सी, ए सत्य है और आर गलत है। ए बिल्कुल सही है पर आर जो है बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। बिल्कुल अंजलि जी आपने बिल्कुल सही बताया, इसका सी सही जवाब। चलिए 62 क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट विच इज नॉट रिलेटेड टू द ऑक्सीडेंटल कल्चरल रिल्म, इस बताइए। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। द आंसर इज डी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेंटल रिम, ठीक है। आपके सामने आपको पता है दैट वर्ल्ड इज डिवाइडेड टू वेरियस कल्चरल रिम्स, ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडेंटल कल्चर रिम का पार्ट नहीं है, तो इसका सही जवाब है डी। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यानी फोर्थ स्टेटमेंट ऑन इट इज नॉट करेक्ट, ऑल थ्री स्टेटमेंट दे आर करेक्ट एंड दे आर द रीजन वेयर ऑक्सीडेंटल कल्चर रिम दे हैज इट्स प्रेजेंट। ऑस्ट्रेलिया कल्चर और न्यूजीलैंड ये किसका पार्ट है, दीज आर दी ऑफस्प्रिंग ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर, यानी कि ऑफस्प्रिंग का मतलब उससे ही निकला हुआ एक हिस्सा है, उसकी सभ्यता यूरोप से मिलती जुलती है, ठीक है। एंड बोथ आर इनहेबिटेड बाय द माइग्रेंट्स फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। और यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें ज्यादा से ज्यादा लोग वेस्टर्न यूरोप से यानी स्पेन से, फ्रांस से, इटली से, पोर्चुगल से, यहाँ से लोग आकर यहाँ पर बसते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसते हैं, ठीक है। एंड सिंस ऑक्सीडेंटल रिम इज अ कल्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी इट्स अ पार्ट ऑफ इट एंड देयर आर ओनली सम मोर रीजनल डिफरेंस, कुछ यहाँ पर क्षेत्रीय अंतर भी देखे गए हैं। चलिए 63rd क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ यूएसए होहोकम पीपल बिल्ड माइल्स ऑफ इरिगेशन कैनल्स, देयर आर फोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा ये आपने मुझे बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब।
आंसर है इसका ए, ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एरिजोना यानी यूएसए, जब हम बात करते हैं यूएसए की, पीपल बिल्ड माइंस ऑफ इरिगेशन इन एरिजोना, ठीक है। बिल्कुल आशिका आपने बिल्कुल सही बताया, ए इसका सही जवाब है, एरिजोना इसका सही आंसर है, ठीक है। सो होहो कम पीपल, दे आर अ प्रीहिस्टोरिक ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। द कैनन सिस्टम इन द सॉल्ट रिवर सर्विस मोर देन 1 lakh acres ऑफ मोस्टली एरिड डेजर्ट कंट्री, ठीक है। चलिए 64th क्वेश्चन, आई विल डू 65 क्वेश्चन। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। टू एन एस्पेक्ट और टू द फंक्शन ऑफ बाउंड्रीज इज, यानी सीमाओं के कार्य के लिए विशिष्ट पहलू है। आपके सामने चार विकल्प है, आपने इसका सही विकल्प चुनना है। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। आंसर है इसका बी, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल क्रिएशन, ठीक है। ये कोई राजनीति रचना नहीं है, ये होगा इसका सही जवाब, ठीक है। एंड दिस वन बाउंड्रीज आर द पॉलिटिकल क्रिएशन बाई, जाहिर सी बात है ये तो सारा पॉलिटिकल इशू में आता है। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन। अ बुक ज्योग्राफी ऑफ पीस, इट वॉज रिटन बाय, ज्योग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। कौन देगा इसका सही जवाब देखते हैं। इसको जो मैंने आप लोगों को टेबल बनाने के लिए बोला था उसमें यूज कर लेना, ठीक है। मैंने आपको टेबल बोली थी कि एक तरफ बुक्स लिख लीजिए और दूसरी तरफ ऑथर लिख लीजिए, ठीक है। तो आपके सामने जितनी आप बुक्स लिखोगे और ऑथर्स लिखोगे, आपके अगर मान लीजिए ऐसे सवाल यूजीसी नेट में आ गया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और 2 नंबर क्या करेगा, आपको नेट से जीआरएफ प्योर लेकर चलेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स लास्ट में जिन्होंने ज्वाइन किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितने बच्चे इसका देंगे सही जवाब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल डी इसका सही जवाब है। स्पाइक्स मैन ने ज्योग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक लिखी थी 1944 में, एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स ऑफ स्पेशल मॉडल, स्पेशल पावर मॉडल विच इज बेस्ड ऑन हार्टलैंड, ठीक है। हार्टलैंड की थ्योरी के आधार पर उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। इट सॉट टू रीशेप द मैकेंडिस मॉडल। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सेशन, ठीक है बच्चों। तो अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अब मैं आने वाले सेशंस किस पर लेकर आऊं। आप चाहते हैं ये ही सवाल हम आगे कंटिन्यू करें के सेट के, एम एच सेट और अदर स्टेट सेट्स के, या आप चाहते हैं कि मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊं आप सभी के, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके अंदर जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, बताओ। मेरा आपसे ये सवाल है कि अब मैं जुलाई में YT सेशन जो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, वो आप किस पर चाहते हैं। शुड आई फॉलो दी सेम पैटर्न, स्टेट सेट्स के एग्जाम हम फॉलो करें, या PhD एंट्रेंस एग्जाम के जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करें, बताओ किस टॉपिक पर आप चाहते हैं डिस्कशन। ओके अंजलि, सो इट विल सेव योर टाइम एंड माइंड टाइम ऑल्सो। ओके अंजलि, जल्दी से जल्दी हम यहीं पर ही वोट करते हैं। कितने बच्चे चाहते हैं स्टेट सेट्स के एंट्रेंस, स्टेट सेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, कितने चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके वेरी गुड, ओके आशिका। और बताइए, मैंने बच्चों आप सबसे पूछा है, बताइए
ओके ठीक है, तो हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे। ये हम के सेट के क्वेश्चन हम पूरे कर लेंगे नेक्स्ट संडे, तो उसके बाद मैं आपके लिए पीएसजी एंट्रेंस एग्जाम और 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, 20-25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू एवरीबॉडी। तो आपको मैं बता दूं, हम लोगों का टाइम जो है वो चेंज हो गया है, अब हम 10 बजे नहीं, अब हम आएंगे सुबह 11 बजे, ठीक है? 1 घंटा हमने टाइम और आगे अपना एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा नेक्स्ट संडे को ग्रेड अप वाईटी चैनल पर सुबह 11 बजे, ठीक है? टॉपिक होगा, हम यही सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस संडे, क्योंकि अभी हमने 65 क्वेश्चंस करे हैं, अभी हम 35 क्वेश्चंस और करके हे सेट को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आपके और भी डाउट्स हैं और भी फीडबैक्स हैं, मुझे मेल जरूर करिएगा, ठीक है? आपके कोई भी फीडबैक है, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे मेल जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों? सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताइएगा हमारी क्लासेस के बारे में, हमारी वाईटी सेशंस के बारे में, ठीक है? क्योंकि काफी लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, ठीक है ना? चलिए, सो बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे टू ऑल, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ, बाय।